गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा तो यार, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि रहमान जिम जा रहे हैं, तो रहमान के लिए मैंने नाश्ता क्या बनाऊंगी वो मैं आप लोगों को आज दिखाती हूँ। ये जो थे ना, ये आप लोग सोच रहे होगे ये क्या है, ये मसाला सा ना, तो इसके मैंने बनाए थे कटलेट्स। ये अभी मैंने फ्रीजर में रखे हुए हैं, ये देख लें, ये थे कटलेट्स। इन कटलेट्स के अंदर जो है वो मैंने डाली हुई हैं गाजरें, चिकन, आलू और बंद गोभी। मतलब ये फुल हेल्दी कटलेट्स है। रहमान जो है ना वो वेजिटेबल्स इतनी नहीं शौक़ से खाते, तो मैंने जो है वो कटलेट्स बना दिए ताकि वो आराम से खा सकें। आज मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ये फुल चक्की का आटा है। पहले हम वाइट आटा यूज़ करते थे लेकिन अब हम फुल चक्की आटा यूज़ करना है, इसके कलर से ही पता लग रहा है। अब जो है मैं ये वाला मसाला, कटलेट्स का जो मसाला था, उसको इस रोटी के अंदर डाल के बनाऊंगी, मतलब के कटलेट्स वाला पराठा। टू बी ऑनेस्ट, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये होगा लेकिन जब मैंने मसाला अंदर डाल के इसको बेला है ना, तो वो उसकी शेप बेचारे की ऐसे हो गई है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा टेस्टी होगा, मुझे पता है। शेप पे मत जाना, इसीलिए कहते हैं शक्ल पे मत जाओ, सीरत पे जाओ, इसके जायके पे जाओ। अपने लिए भी जो हो ना वो यही वाली रोटी बनाऊंगी इसी तरह की, ठीक है। लेकिन इस पे मैंने घी लगाया, अपनी रोटी पे मैं घी नहीं लगाऊंगी। तो ये बनी है मेरी रोटी, छोटी सी। मैं अपनी तकरीबन इतनी ही रोटी बनाती हूँ क्योंकि रहमान को लगना है मोटा और मैंने होना है पतला, इस वजह से। अच्छा ये वाली आप लोगों ने प्लेट देखी थी, इसमें मैंने मसाला बनाया हुआ था, ठीक है। तो अब मैं अपनी रोटी जो है ये पक चुकी है, इसको इसमें ही रख लूँगी क्योंकि प्लेटें गंदी नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, पानी बहुत ठंडा होता है यार, नहीं गल जाते। अच्छा मैं अपनी प्लेट हमेशा छोटी रखती हूँ और रहमान की जो है ना ये वाली मैंने पोर्शन वाली रखी है। अब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं ये इन खानों में क्या क्या करूँगी। अच्छा सबको बताया कि जब मोटे होना होता है ना, वेट गेन करना होता है, तो आलू जो होते हैं वो मस्ट होते हैं। मतलब आलू बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, ओए तो साइड पे जा, आलू बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करेंगे वेट गेन करने में। ये मैंने पहले से बॉईल करके रख दिए थे, ये अभी धुआं आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये मैं ज़्यादा सारे बॉयल कर देती हूँ लेकिन ये सारे रहमान आज ही नहीं खाएंगे। एक दिन में मैं तकरीबन सुबह के टाइम नाश्ते में ना दो आलू देती हूँ। फिलहाल के लिए मैं दो आलू काटती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ मैं इसका करती क्या हूँ। अच्छा इसको मैंने एक पैन में डाला है, इसका ये जो मसाला थोड़ा सा दिख रहा है ना, ये मैंने जो रात के टाइम वो बनाया था शवारमा, उसके चिकन का मसाला है थोड़ा सा, वो बचा हुआ था। वो थोड़ा सा घी डाला है, ठीक है। और अब मैं डालूँगी चिकन टिक्का मसाला, बस थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला। और साथ में मैं इसके डालूँगी हल्दी, हल्दी इज़ सो गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी मैं हल्दी डालूंगी और मैं खाने में हल्दी बहुत ज़्यादा डालती हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब जितने आम लोग डालते हैं ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे हल्दी बहुत अच्छी लगती है। कोशिश कर रही हूँ कि अपने पूरे जितना भी खाना बनाऊँ ना उसमें मिर्चें मैं अवॉइड करूँ क्योंकि वो सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती हैं। और नमक का यूज़ भी मैं आहिस्ता आहिस्ता करके, एक अचानक से कम नहीं करेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ना कम कर रहे हैं। और शुगर का तो बिल्कुल ही खात्मा कर रहे हैं, जितनी चीनी ला कर रखी हुई थी वो एज इट इज़ ही बढ़ी हुई है। शुगर की बजाय हम शहद लेते हैं, मतलब दूध में अगर हाली दूध भी नहीं अगर किसी से पिया जाता तो उसके अंदर हम डाल लेंगे शहद, मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको जो है ना वो ऐसे ही भुनेंगे इसके अंदर, ठीक है। और जब तक ये भुन रहे हैं ना तो तब तक ये मैंने अंडे दो बॉयल करके रखे हुए थे, तो इसको मैं छील के इसमें लगाती हूँ। 5 minutes later। कुछ दिन पहले शुरू शुरू में जो है ना, जब रहमान जिम जाना स्टार्ट हुए थे तो तब रहमान को मैं देती थी देसी अंडे। अब जो है हम खा रहे हैं ये वलायती अंडे, ठीक है। वलायती क्या कहते हैं इनको, जो भी वाइट अंडे। तो देसी अंडे जो है वो मैं लेकर आई थी घर से, फैसलाबाद से। मम्मा ने जितने भी फ्रिज में अंडे पड़े हुए थे वो आपको बताया था, आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हमने जो फैसलाबाद में थी मुर्गियां पाली हुई थी, तो उनके जितने भी देसी अंडे थे फ्रिज में पड़े हुए थे ना, स्टोर किए हुए थे, वो मम्मा ने सारे मुझे पैक करके दे दिए। उनका जायका लिटरली इतना मज़े का था, और अब हमें ये वाले अंडे खाने पड़ रहे हैं और इनका बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा। उसकी जो जर्दी थी उसकी जर्दी में इतना टेस्ट था, मतलब बगैर कुछ नमक काली मिर्च कुछ भी लगाए बगैर वो खाओ ना तो वो खाए जाते थे,
लेकिन ये वाले अंडे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। सही बात है, कोई इसमें टेस्ट नहीं है। रहमान ये खोल दो, ऐसे ऊपर से खोल दो, गिर जाएगा। अच्छा थैंक यू। अच्छा तो इसके अंदर क्या हो सकता है? इसके अंदर है शहद, और ये नेशनल वालों का शहद नहीं है, वो जिस तरह कहीं करते हैं ना चीज़ डिब्बा किसी का होता है और अंदर कुछ होता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। और ये शहद भी हमने कहीं से ख़रीदा नहीं है, ये हमें फ्री में मिला किधर से, ये हम जब लाहौर गए हुए थे तो मुझे रहमान की मम्मा ने, मतलब मम्मी ने जो है ये शहद हमें दिया था। वो जैसे वीडियोस में होता है ना कि जब जाते हैं घर वालों के पास तो जाते एक बैग लेके हैं और वापस जो है वो दो बैग लेकर आते हैं, भर भर के लाते हैं। हमारा भी बिल्कुल वही हिसाब हुआ होता है। ये शहद लाहौर गए हम, वहाँ से ये मुझे अम्मी ने शहद दे दिया, और फैसलाबाद गए तो मुझे ढेर सारे अंडे मिल गए। अच्छा इसके ऊपर मैं थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो कर दूँ, क्योंकि इसका बिल्कुल टेस्ट नहीं है, तो पता नहीं रहमान कैसे खाएंगे। मुझे तो बॉयल्ड अंडा खा के ना उल्टी आती है, फिर से नहीं खाया जाता। तो ये है रहमान का नाश्ता और ये है मेरा नाश्ता, अब चल के नाश्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? रोज ने बाहर खाना बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा गप्पे शप्पे लगा ली हैं, तो मैंने कहा आप लोग मुझे बोल ही ना जाओ तो मैं भी थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। okay. और सर्दियों के दिन इतने छोटे हैं कि गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हाँ अभी बल के टाइम दिखाना इनको, टाइम क्या टाइम हुआ? एक बज गए हैं मेरे ख्याल में, अभी हम उठे हैं तकरीबन 12 बजे, दो बज के 19 मिनट हो गए, अभी नहीं उठे, उठे 12 बजे। पर ये काम वोम करते कि अभी हमने नाश्ता करना है और सुबह तो हो गई। तो बस ऐसे ही हमारी रूटीन चल रही है। इसके साथ साथ मैंने ज्वाइन कर ली है जिम, जो भी मैं 4 दिन गया हूँ, 2 दिन बीच में छुट्टियां की हैं। अच्छा ये लोग जो कह रहे होते हैं ना आपके इतने मिलियन सब्सक्राइबर, मुझे पता नहीं हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं क्या, पता नहीं बाकी है यार, ये तंज कर रहे होते हैं, तंज करते हैं, ये बड़े तेज है ये हमारे सब्सक्राइबर ना। अच्छा तो आप ये जो है ना ये लेके चलो, ये आज आपका ना, किधर गए हो? ये लेके चलो, ठीक है। इसमें से मेरा कौन सा रहा? ये आपका ही है सारा, मेरा जो है ना वो ये वाला नाश्ता, तो लेके चलो। बल्कि मैं इस पर थोड़ा सा अचार भी रखूंगी, आपने लेना है अचार? साथ मैंने अचार भी रखी है क्योंकि मुझे अचार भी बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ, दो दो तीन तीन भी खा लेती हूँ कभी कभी। ये बच्चों का काम देखें, उधर ही शॉपनर मार करें, उधर ही खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, माल्टे अपने बिस्किट रबड़े हर चीज़ मिक्स अंदर ही, बड़ी स्पीड लगा के खा रही हो आप तो। और ये मेरा नाश्ता। अच्छा तो हम ऊपर छत पे आ चुके हैं नाश्ता करने, मुझे छत पे बैठने का इतना वैसे शौक नहीं है, मतलब कि है कभी कभी दिल करता है, पर रोज को बहुत शौक है इसका, दिल होता है कि रोज बस वो उठ के ना बंदा छत पे बैठ जाए और शाम तक जो है छत पे ही बैठे रहे। अच्छा तो यार कुछ लोग कहेंगे कि अभी ये वाला नाश्ता भी थोड़ा है, मतलब हम तो दो दो रोटियां भी खा लेते हैं या कुछ इस तरह करके, आप लोग अगर कुछ खो गए तो। रहमान जो है ना, एक मिनट, रहमान जो है ना वो पहले इससे भी थोड़ा खाते थे, और आहिस्ता आहिस्ता ही जो है ना वो ज़रा कैपेसिटी बढ़ती है, तो ये अभी यार कहीं खा लेते हैं सच्ची में, दो दो रोटियां भी खा लेते हैं, इतना दो दो पराठे, कोई चार चार पराठे भी खा लेते हैं, मैंने देखा हुआ है। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा करके ये इस तरह करके कैपेसिटी बढ़ेगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह देखना आपने भी दो दो पराठे कहना, मुझे दो दो परौंठे बना के दो। बताओ कैसा बना नाश्ता आज का आपका? बहुत मज़े का, आजकल मुझे रोज ही बड़े मज़े मज़े के खाने मिलते हैं। इसको आप कितना रेट करोगे, मतलब ये आपको सादे आलू अच्छे लगते हैं या इस तरह करके जो लाइट मसाले में थोड़ा थोड़ा करके? इस तरह आराम से खा हो जाते हैं और मज़ा भी आता है खाने का, जो सादे होते हैं ना वो कह लो गुजारने पड़ते हैं बस, पर इसका मज़ा आता है। तो ये रेसिपी आप लोग भी बना के खा सकते हैं, अगर कोई जिम ज्वाइन कर रहा है या आपका भाई या फिर वालद वालद साहब या आपके हस्बैंड भी कर रहे हैं, तो फिर आप लोग भी ये रेसिपी बना के उनको दे सकते हैं। मैंने तो अपना नाश्ता फिनिश कर लिया। मैं अभी इस इम्तिहान से गुजर रहा हूँ। मैंने ये ऑयल धूप में ला के रख दिया था, कोकोनट ऑयल, ये जम जाता होता है ना, तो अब इसको धूप में रखा हुआ ताकि रहमान मेरी चम्पी कर सकें, ठीक है।
A few hours later. अच्छा तो ये हैं व्हाइट शूज जो के हमें बहुत ज्यादा पसंद है मैंने रूज ने। जब हमने ट्रिप पे जाना था तो हमने एक जैसे लिए थे। अब इनका मसला ये है कि ये गंदे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हम जब ग्रोसरी करने गए उधर हमें एक ये मिल गई प्रोडक्ट, ये है। अब इसे पता नहीं यूज़ कैसे करते हैं, तो इसे यूज़ करके देखते हैं आपके सामने और आपको ही बताते हैं कि यह इसका फ़ायदा होता है कोई कि नहीं। अगर आप लोगों ने भी अपने जूते साफ़ करवाने हो तो आप हमें डिलीवर करवा सकते हैं, डिलीवरी फ्री है। चार्जेस सिर्फ हम एक पेयर को जो है वो चमका के दे देंगे आपको 10,000 रुपये में। क्या बात है सर। सबसे पहले बोतल अच्छी तरह हिलाएं, जूतों से गर्दों को बार साफ करें, स्पंज एप्लीकेटर से कीवी वाइट क्लींस लगाएं, थोड़ी देर खुश्क होने के लिए रखें। अच्छा। क्लींस खुश्क होने की सूरत में चंद कंदरे पानी मिलाएं। खुश्क होने के बाद क्या करना है? पता नहीं ये वाली लाइन मुझे भी नहीं समझ आई। खुश्क होने की सूरत में चंद कंदरे पानी मिलाएं। चंद कतरे वो शायद इसे गीला करके फिर फेरते होंगे पानी में। वाइट शूज लेने का बस यही नुकसान होता है, इतने गंदे होते हैं ना, एक बार पहनो फिर इनको सफाई करो किसी ना किसी तरह। अच्छा इन्होंने ये जो लगाने वाले हैं ना ये स्पॉन सा, ये बहुत गंदा हाँ, दिया हुआ है। अजीब सा, या तो किसी अच्छी शेप में इस तरह की कोई चीज दे देते ऊपर फेर ले। और मैं अरूज से ये अपने वाले जूते साफ करवा रहा हूँ, इसके भी अलमारी में ही पड़े हैं बेचारी के। ये मेरे हैं, मेरे वाले हैं, आपके तो यूज ही नहीं हुए थे आपके। वैसे मेरे हैं, देखो आपके वाले ना, आपके वाले पे इधर साइड पे वो उसने बॉल पॉइंट से लिखा हुआ था। देखो किसी के लिए वो घड़ा खोद देना तो उसमें बंदा खुद ही गिर जाता। मैं तो अपनी तरफ से अपने वाले निकाल कर लाया था। ये रोज जूते चिट्टे करने के साथ साथ सारा फ्रेश भी चिट्टा कर रही है। अपने हाथ भी। ये देखो इस तरह के पुट्ठे काम इससे जितने मर्जी करवा लो। अब ये मैं साफ कर रहा था आगे भाग के आगे की मैं करती हूँ मैं करती हूँ। एक तो हर तो याद है ना, एक तो रास नहीं है, या आप सूखने रख देते हैं इसको। ये पता नहीं क्या अजीब सा गंदा सा बन गया। तस्मे वो कपड़े धो रही हो ना, इसके अंदर ही डाल दो तस्मे, साथ ही धुल जाएंगे। ये तो वो दूसरे वाले शूज के भी निकाल कर दो साफ। वो मैं वाइट वाले के साथ डालूं, ये ना नीला कलर चढ़ दे। हां ये भी है, वाइट शूज के अंदर नीले तस्मे। फिर हाथ में है ये, ये क्यों लाए हो? ये वो ये वाइट लगाई है ना। दो इंटरनेट के कनेक्शन लगे होते हैं, ये आपके नेबर्स के लगा हुआ है, आपके आपको भी इंटरनेट चाहिए, इतना नेट यूज नहीं होता तो आप लोग जो है वो शेयरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, शेयरिंग के लिए बड़ा आसान होता है। ये हमारे पास ना PTCL की एक डिवाइस पड़ी थी पुरानी, ये इसको कहते हैं मॉडम। एक होता है मॉडम, एक होता है राउटर। ठीक है, किसी का क्या होता है, किसी को फायदा है, ये बता नहीं सही है, करो मैं तो वैसे ही हंस रही हूं। ये जो मॉडम होता है, आप बस एक्साइटमेंट चेक करना। जब आपने इंटरनेट शेयर करना होता है, मतलब अगर मेरे पास कनेक्शन लगा हुआ, मेरे नेबर्स में आप रहते हैं, आपने इंटरनेट लेना है, तो आपको एक राउटर चाहिए होगा और एक ये वायर चाहिए होगी, उसके थ्रू आप इंटरनेट का कनेक्शन लगा सकते हैं। और अगर मॉडम हो उसकी भी थोड़ी बहुत सेटिंग होती है, अगर इस तरह कोई पुराना मॉडम पड़ा है उससे भी आप उसको राउटर बना के कनेक्शन इस तरह लगा सकते हैं जिस तरह हमने लगाया, और बहुत अच्छी स्पीड आती है, जिस तरह के मतलब के मेन पे आ रही होती वैसे इधर स्पीड आ रही होती। Ladies and gentlemen, I think my brain just committed suicide. I can feel it bleeding. देखो तक गली मोहल्लों में इंटरनेट के कनेक्शंस दे रहे होते हैं छोटे छोटे ऐसे बना के ऑफिस बैठे होते हैं ना, तो वो इसी तरह का यही काम होता है। उन्होंने एक इंटरनेट का कनेक्शन लिया होता है मेन किसी कंपनी से, और आगे उन्होंने फिर वो कनेक्शंस जो है वो मुख्तलिफ घरों को दिए होते हैं वायर के थ्रू। तो हमने ये फ्रेम ही लगा लिया क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। ये यो, आप भी अगर हमारा चैनल देखेंगे तो आपको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और आप भी क्या बता रहे हैं फ्री में चीजें एंजॉय करें। इस तरह के क्लिप में ले आए हैं, ये देखो ये एक पैकेट मिलता है 40 रुपए का होता है। अच्छा, तो ये ऐसे एक दीवार के साथ लग जाते हैं इजीली, और इसके अंदर तार बड़ी नीट एंड क्लीन करके वो लग जाती है। हम लगा के दिखाते हैं। अब इंजीनियर रहमान आपको लगाना सिखाएंगे कि ये वैसे दूर दूर भी लगा दोगे तो वो भी सही नहीं रहेगा, मतलब अगर ज्यादा डिस्टेंस पे। बस ये थोड़ा सा एक बार शुरू में लग जाए, मैं बस छोटे लेता नहीं, अगर किसने लगवाना हो तो 25,000। अगर आपने रहमान से जूते साफ करने करवाने हो, किधर गए, जूते साफ करवाने हो, तब भी रहमान से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने गाजर का हलवा बनाना हो तब भी आप रहमान से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और क्या क्या, शिफ्टिंग करनी हो तब भी आप रहमान से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
और कोई आपके पास पेशा हो जिसमें आपसे कांटेक्ट कर सके? वो साथ साथ भी लोग देखते रहे, बताते रहे। मैं बड़े अच्छे से ये लगा रहा था पर रोज से देखा नहीं गया। इसने कहा कि अब आगे के जो कील है वो मैं लगाती हूँ। इस तरह के काम करने का इतना शौक है मेरा दिल कर रहा है मैं ना इसे कोई मजदूरी पर रखवा दूंगी। किसी को मजदूर की जरूरत हो ना कहीं पे काम करिए, कोई बिल्डिंग बन रही हो, कोई कहीं की कील ठोकने हो, कोई इस तरह के काम जो होते हैं मजदूरी वाले, वो बताना। मेरी बेगम को बड़ा ही शौक है इस तरह के काम करने का। लो जी लगा लिया हमने नेट। कितनी सफाई से ऐसे लगाते हैं, पूरी पूरी आई है इस पे, ऐसे सफाई से लगाते हैं ऐसे। ये देखो ऐसे सीखो, कुछ सीखो श्रीको। Later that same evening. तो ये है आज का रहमान का डिनर। तो आज रहमान कह रहे थे मुझे छुट्टी है तो आज ना कुछ अनहेल्दी मुझे बना कर दो, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है पास्ता बना देती हूँ। तो ये वाला रहमान का होगा, और मैंने भी थोड़ी सी चीटिंग कर ली है तो मैं भी थोड़ा सा छोटी प्लेट में डाल के थोड़ा सा ले लिया, और साथ में मैंने अपने लिए हेल्दी सी गाजरें भी थोड़ी सी काट ली हैं। आप तो मुझे आजकल इतना तरस आता है ना बेचारी, डाइट कर रही हो, मेरे आगे नहीं गुजर रहा तो मुझसे खाया नहीं जा रहा। हाँ बस कर दो, सारी प्लेट आपने खाली की होती है, ये लो पकड़ो खाओ। खा ली फिर वक्त की। हाँ एक मिनट, अरे मेरा हाथ थक गया, एक मिनट मैं हाथ थक गया गिरने। शुक्र है पकड़ लिया आज के जमाने में। चलो जी खाते हैं। गाइस आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ, आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। ये बल्ब भी चल रहा है और ये बल्ब भी चल रहा है। अभी देखना इस वाले को मैं बंद करने लगा हूँ। अब वो है ही नहीं। ये वाला बल्ब ना जब अकेला चलाते थे तो ये ऐसे ऐसे करता था, फिर जब ये चलाते थे तो ये सही हो जाता था, जब मैंने कैमरा ऑन किया तो इसने हरकतें करके दिखाना बंद कर दी है। अच्छा तो यार ये था आज के व्लॉग में, अब हम सोने लगे हैं, आप लोग भी सो जाए। तो मिलेंगे फिर कभी किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, फिर कभी नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है अगले व्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।